नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। वित्तीय संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए की पूंजी FPO के जरिए जुटाने की घोषणा की है और ये इशू 15 जुलाई को खुलेगा और 17 जुलाई को बंद होगा। यस बैंक FPO के जरिए पैसा जुटाने की योजना बना रहा है। RBI के नियमों के मुताबिक ये पैसा उसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बैंक का CAR 6.5% है जबकि ये 8.75% से ऊपर होना चाहिए। बैंक का शेयर सोमवार को 14% टूटकर 22 रुपए पर पहुंच गया जिसके चलते यस बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए की पूंजी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि FPO के जरिए जुटाने की घोषणा की है। ये इश्यू 15 जुलाई को खुलेगा और 17 जुलाई को बंद होगा। इसके लिए आधार दर 12 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। FPO के लिए अधिकतम दर 13 रुपए प्रति शेयर होगी। इस तरह 2 रुपए के शेयर के लिए फ्लोर वाइज 6 गुना और कैप वाइज 6.5 गुना रखी गई है। यस बैंक के मुताबिक बैंक के कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ रुपए का हिस्सा रिजर्व के तौर पर रखा गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने यस बैंक में FPO के जरिए 1,760 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने वाले बैंकों के अलावा कई इंश्योरेंस कंपनियों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी इसके FPO खरीदने की रेस में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज़।